हेलो हैप्पी पीपल, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आई एम दिव्या सुजन, योर पेरेंटिंग कोच एंड काउंसलर। और आज हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों को डायपर फ्री नाइट्स आदत किया जाए। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था जब मेरी बच्ची 2.9 ईयर्स की थी, तो इट्स बीन अराउंड 3 मंथ्स आई हैव स्टार्टेड। एंड कैसे, यू नो, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि कैसे किया जाए। तो मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, जो मेरे लिए वर्कआउट हुआ, दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल। सो इनिशियली जब पहले तो बहुत ही टेंशन हुआ कि ये पता नहीं वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, बट समहाउ वी वो करेज करना है, तो समहाउ वी स्टार्टेड। एंड पहले दिन तो मैंने बस नॉर्मल पैंट ही पहनाया था, नाइट पैंट ही पहनाया था और उसे सुला दिया। तो पहले दिन तो बेड गीला हो गया था, ओके, एक्सपेक्टेड था, बट उसके बाद से मुझे समझ आया कि ओके, तो इस बार क्या करेंगे, इस बार नेक्स्ट डे मैंने उसको शाम के बाद से पानी उतना नहीं दिया, ओके, पानी अगर वो पानी मांगती भी है, ओके, तो उसको इतना बहुत कम या फिर बहुत बहुत कम क्वांटिटी में। दूध तो रात को बंद कर दिया मैंने, दूध तो अर्ली मॉर्निंग मैं देना शुरू कर दी, रात को मैंने पूरा बंद कर दिया दूध को, और रात को कुछ भी लिक्विड मैं नहीं दी, ओके। उसके बाद भी इवन दो, जैसे अगर वो पानी पीती है, तो इनकेस अगर वो पानी पीती है तो कभी कभी वो रोती है पानी के लिए, तो हमने पानी उसको पिला दिया, बट अगर वो केस है तो बेसिकली मेरे केस में एक प्लस पॉइंट था कि मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ, मतलब 9:30 या 10:00 या 10:30 मोस्टली आई स्लीप। मेरे हस्बैंड जो है वो सोते हैं अराउंड 12:00 12:30 ऐसा टाइम पे सोते हैं। तो मेरा एडवांटेज ये था कि क्योंकि उसके पापा जगह रहते तो ये भी खेलती है अच्छे से, तो जब ये खेलती है तो ठीक है मैं सो जाती हूँ। तो जब ये लोग सोते हैं 12 बजे, तो उतने टाइम पे उसके पापा एक बार वॉशरूम ले जाके सुला देते हैं। सो दैट वे अगर बच्चा मतलब उस टाइम पे 12 बजे अगर उसका ब्लैडर खाली हो जाता है, तो उसके बाद मैं 5 बजे उठती हूँ। एवरी डे आई वेक अप एट 5:00। ओके, दिस इज माई स्टोरी अलोन। देखिए जिसपे मतलब जिसको जो वर्कआउट होता है, दैट्स हाउ इट शुड बी। आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, ओके। तो जब मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तब उसको मैं उठा के, बेसिकली फर्स्ट डे तो ऐसा हुआ कि उसको उठाई तो बहुत रोने लगी कि उसको नींद से मैंने जगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं इतने एकदम रूई को जैसे एकदम से बहुत ही प्यार के साथ एकदम ललबाई गाते हुए, वो लोरी गाते हुए उसको लेके गई। उसको ले जाने के पहले ही मैं पूरे अरेंजमेंट्स करके रखी रहती थी, लाइट्स सब ऑन, वॉशरूम के लाइट्स ऑन, डोर्स ओपन, सब एकदम फिक्स करके रखी रहती थी। रख के उसके बाद उसको एकदम अच्छे से उठा के वो ये करती थी, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा लोरी वोरी सुना के थोड़ा एकदम डेलिकेटली जो भी मतलब हाँ हाँ कुछ नहीं बेबी, हम बस जा रहे हैं, सुसु करेंगे, आपको सुसु लगी है, तो ऐसे धीरे धीरे करके बातें करके उसको जाके खड़ा कर रही थी। तो उसके बाद बेसिकली उसको खड़ा करते ही वो रोने लगती थी। फिर उसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि उसको वो ठंडा बेसिकली वॉशरूम थोड़ा ठंडा होता है, राइट, टाइल्स, तो उसको वो ठंड पसंद नहीं आया। तो उसके बाद से मैं क्या करने लगी, उसका जो चप्पल होता है उसको बाथरूम के बाहर रखती थी और वो चप्पल पहन के जाती थी, देन शी वॉज ओके विथ इट। एक प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर ऐसे मैं उसको बैठा देती थी, उसके बाद ओके, तो उसको जैसे ही सुलाती थी वॉशरूम ले जाके आने के बाद वो उसको थोड़ा सा मतलब कॉन्शियसनेस आ जाता था कि मम्मी उठी हुई है, तो मतलब शायद सुबह हो गया है तो मुझे भी खेलना है, तो वो उठ के खेलने लगती थी। तो उस टाइम पे उसको वॉशरूम ले जाके आने के बाद उस टाइम पे मैं उसको दूध थोड़ा सा गर्म करके उसको दे देती थी, वो पी लेती थी और दूध पीते ही वो सो जाती थी थोड़ी देर, 5-10 मिनट के लिए उसके पास अगर मैं सो के थोड़ा सा उसको थपथपाने से सो जाती थी, ओके। सो सिमिलरली, सो एक तो हम, मैं और मेरे हस्बैंड एक टर्म्स में थे कि अगर मैं जल्दी सो जाती हूँ तो मुझे नहीं पता कि बाद में वो रात को पानी पी भी रही है या फिर नहीं पी रही है, ये मुझे नहीं पता। तो ही मेक श्योर कि अगर वो पानी पीती है
तो ही विल मैसेज में, वो मैसेज कर देते थे मेरे को कि हाँ वो पानी पिए। तो मैं सुबह उठ के अपना फ़ोन देखती थी कि अच्छा उसको उठाना है 3 बजे या 5 बजे, कितना बजे उठाना है। तो बेस्ड ऑन दैट आई यूज टू डिसाइड। बट जैसे जैसे टाइम, मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सीडेंट्स तो होंगे ही एक्सीडेंट्स। बेसिकली प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं बीच में एक दो दिन उसको, मैं आई वॉज वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा काम था मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी, तो आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज। लाइक मुझे रात को बहुत नींद तो बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि मैं सिर्फ 5 घंटा ही सोते हैं, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं होता है। मेरे को काम होता है, मैं उठ जाती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने उसको क्लॉथ डायपर पहनाना शुरू किया। तो क्लॉथ डायपर पहनाने के बाद प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। वो ट्रेनिंग पैंट्स और वो जो क्लॉथ डायपर्स होते हैं उसको पहनाने के बाद मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई। मुझे लगता था कि ठीक है वो करेगी भी, तो उसमें मतलब उस नींद में ना, व्हेन हम जब बहुत नींद में होते हैं ना, तो हम बस ये ढूंढते रह जाते हैं कि कैसे हम उसको टाले ऑब्वियसली राइट। तो जब वो ट्रेनिंग पैंट्स या फिर वो सब पहनाने के बाद एक ढीलापन सा आ गया था कि ठीक है वो करेगी तो उसमें ही करेगी ना, ठीक है ओके, और क्लॉथ डायपर में ही करेगी, ठीक है थोड़ी देर बाद मैं उठ जाऊंगी। तो इस टाइप का रिलेक्टेंस हो गया था, इस टाइप का ढीलापन हो गया था, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं कुछ भी नहीं पहनाना है, तब जाके कॉन्शियसनेस मुझे रहेगा कि ओके बेड गीला होने वाला है, अगर बेड गीला होगा तो हम कोई भी नहीं सो पाएंगे। एंड ऑब्वियसली यस, बेड के नीचे वो प्लास्टिक शीट तो था ही, बट फिर भी जब बेड गीला होता है तो ऑब्वियसली सब गीले हो जाते हैं ना, तो सबका नींद खराब हो जाता है। तो वो मतलब अगर नहीं पहनाएंगे तो ही ये कॉन्शियसनेस आएगा, तो मैं नहीं पहनाती थी। उसके बाद से रात को हमने धीरे धीरे, अभी 3 मंथ्स हो गया है, 3 मंथ्स होने के बाद एक बार क्या हुआ, ये मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, उसका पेट खराब था, तो उसका पेट खराब था, सोने के पहले भी उसको थोड़े से लूज मोशंस हो रहे थे। तो रात को हम सो गए, और रात में सुबह सुबह 5 बजे उठी तो आई फेल्ट लाइक उसने पॉटी किया है। तो मैंने देख, फिर मुझे समझ में आया यस उसने पॉटी किया है। तो उसके बाद मैं उसको धीरे से उठाई और उसको वॉशरूम में लेके गई, बैठाई, मैंने उसको बताया कि बेटा आपने पॉटी किया है। तो उसको बहुत बुरा लग गया, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ कि बेटा पॉटी वॉशरूम में करना चाहिए, पॉटी घर पे नहीं करना चाहिए। तो उसको बहुत बुरा लग गया और शी वॉज वेरी गिल्टी, एंड वो शी केप्ट ऑन रिपीटिंग, वो बोलते ही जा रही थी कि मम्मा मैंने पॉटी कर दिया, शी वॉज वेरी गिल्टी। फिर मैंने उसको धोया पूरा, उसको अच्छे से साफ किया, क्लीन करने के बाद उसको फिर से जाके सुलाया, फिर वो सो के उठ गई। उठने के बाद मतलब सो के मतलब करीब 4 बजे के आसपास वो सो गई, और सुबह 8 बजे के आसपास उठी और उसको याद था, वो तब मम्मी सॉरी, अम्मा सॉरी आई मैंने पॉटी कर दिया, पॉटी बाथरूम में करना है, पॉटी बाथरूम, पॉटी बेड पे नहीं, नो नो। तो और मम्मी मैं पॉटी की, मम्मी ने क्लीन किया, तो ये सब बोली थी। मेरे को सच में बहुत बुरा लग रहा था कि कितने सेंसिटिव होते हैं वो, और वी रियली हैव टू बी लिटिल पेशेंट विद देम। पेशेंस तो बहुत ज़रूरत है हाँ, बट वो भी बहुत उनका माइंड, जैसे हम एज एन एडल्ट हमारा ब्रेन इतना मैच्योर रहता है कि ठीक है हम रोक सकते हैं वॉशरूम जाने के लिए, हम थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, बट उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ रहता है ना। तो वी हैव टू बी एक सर्टेन एज आने के बाद, जैसे 5 ईयर्स या 6 ईयर्स के बाद बच्चे करने बोलो तो भी नहीं करेंगे, बिकॉज तब उनको सोशली अप्रोप्रिएट वे समझ में आ जाएगा, उनका ब्रेन उतना डेवलप हो गया होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि सब कपड़े पहने हैं, तो दैट कॉन्शियसनेस विल कम। सो टिल देन थोड़ा सा हम पेशेंस के साथ कोऑपरेट करेंगे और पेशेंस के साथ रिजल्ट्स पक्का देखेंगे। एंड सो हैप्पी टाइप ऑफ फ्री नाइट्स एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, इट विल डेफिनेटली वर्क आउट, ऑल द वेरी बेस्ट, या बाय, टेक केयर। एंड यस, अगर आपको कोई बच्चों से रिलेटेड कोई बिहेवियरल इश्यूज हैं, आपको
मेरे साथ वन ऑन वन डिस्कस करना है, उसके सॉल्यूशंस चाहिए, तो एनी टाइम यू कैन जस्ट पिंग मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड यस वी कैन जस्ट हैव अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड सॉल्व द इश्यू. या बाय, हैप्पी पेरेंटिंग.